जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, मई के महीने में वंदे भारत के ऐसे रूट जो कि काफी दिनों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, ऐसे रूट पर हमें वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगी और आने वाले 10 मई को रांची से पटना के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो सकती है। और इसके साथ ही आने वाले 14 मई को एक और वंदे भारत ट्रेन आपको देखने को मिलेगी और ये रूट भी सच में काफी ज्यादा डिमांडेड रूट है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर 14 मई को किस रूट पर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने वाली है, इस ट्रेन का नंबर क्या होने वाला है और ये वंदे भारत ट्रेन 16 कोच वाली होगी या फिर 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत ट्रेन। तो सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप के देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर ले कि आखिर 14 मई को किस वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। तो वंदे भारत ट्रेन नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत ट्रेन है जो कि न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच में चलने वाली है। और इस वंदे भारत ट्रेन को आने वाले 14 मई को हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। हालांकि गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत पिछले महीने यानी कि 14 अप्रैल को ही होने वाली थी, लेकिन 14 अप्रैल को इसका लॉन्चिंग नहीं हो पाया और इसके पीछे का रीजन भारतीय रेलवे ने ज्यादा खुलकर नहीं बताया। लेकिन फिर से चर्चा काफी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है कि आने वाले 14 मई 2023 को न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन हो जाएगा। ये ट्रेन पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से असम के गुवाहाटी के बीच में चलने वाली है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट नाउ की माने तो नॉर्थ ईस्ट रेलवे ने यह जानकारी साझा किया है कि पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत ट्रेन 14 मई को शुरू की जाएगी। और अब तक हमारे देश में 15 वंदे भारत ट्रेनें ऑलरेडी चलाई जा चुकी है और अगर इसकी शुरुआत होती है तो ये 16वीं या फिर 17वीं वंदे भारत ट्रेन बनने वाली है। क्योंकि आप सबको पता है कि हावड़ा से पुरी के बीच में वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन कंप्लीट हो चुका है और इसका इनॉग्रेशन आने वाले किसी भी दिन हो सकता है। और इतना तो कंफर्म है कि मई के महीने में ही हावड़ा से पुरी के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन हो जाएगा। अगर हम बात करें तो साउथ की सभी राज्यों को इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन की सौगात ऑलरेडी मिल चुकी है और अभी सबसे ज्यादा 5 वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से ऑपरेट होती है, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। और महाराष्ट्र में 4 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है और देश की पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी और ये वंदे भारत ट्रेन भी काफी ज्यादा पॉपुलर वंदे भारत ट्रेन है। और सेकेंड जनरेशन वाली वंदे भारत ट्रेन को सबसे पहले मुंबई से गांधीनगर कैपिटल के बीच में चलाया गया था। अगर हम पिछले महीने यानी कि अप्रैल की बात कर ले तो पिछले महीने में 5 वंदे भारत ट्रेनों का इनॉग्रेशन हुआ है इंडियन रेलवे के नेटवर्क में। और ऐसा माना जा रहा है कि मई महीने यानी कि इस महीने में कम से कम 3 वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन हो सकता है। अगर हम इन तीनों वंदे भारत ट्रेन के रूट के बारे में बात करें तो पहला रूट है हावड़ा से पुरी वाला, दूसरा रूट है न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी वाला और तीसरा रूट है पटना रांची रूट। और इन तीनों रूट पर मई के महीने में ही नई वंदे भारत ट्रेन दौड़ने लगेगी। अगर हम गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन के ट्रेन नंबर के बारे में बात कर ले तो इस ट्रेन का नंबर होने वाला है 22227 और 22228 यानी कि 22227 और 22228। और ये वंदे भारत ट्रेन दोनों मेजर सिटी को आपस में कनेक्ट करेगी। ये ट्रेन लगभग 407 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच और टाइम 6 घंटे और 15 मिनट के आसपास ये ट्रेन लेने वाली है। और इस ट्रेन के एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर रहने वाला है और मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर रहने वाला है। और इसी की वजह से जो ट्रेवल टाइम है वो कुछ ज्यादा इस रूट पर बढ़ने वाला है। अगर इस ट्रेन का मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड 130 km/h रहता तो इस 407 किलोमीटर के डिस्टेंस को मैक्सिमम 5 से 5.5 घंटे में ये वंदे भारत ट्रेन आराम से कवर कर पाती। लेकिन ड्यू टू स्पीड रिस्ट्रिक्शन इस वंदे भारत ट्रेन को 407 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में लगभग 6 घंटे 15 मिनट का समय अभी लगने वाला है। और यहाँ पर हम बात करें कि क्या ये वंदे भारत ट्रेन मिनी वंदे भारत होने वाली है या फिर 16 कोच वाली एक नॉर्मल वंदे भारत ट्रेन, और इसको लेकर आप लोगों के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है अभी। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो ज्यादा चांसेस है कि गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन को 16 कोच के साथ ऑपरेट किया जाए, इसका काफी ज्यादा चांसेस है। क्योंकि ये जो रूट है वो काफी ज्यादा डिमांडेड और काफी ज्यादा पुराना पेंडिंग रूट है, तो इस पर 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन चल सकती है। हालांकि रेलवे इस पर कोई भी कंफर्मेशन अभी नहीं दी है, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि इस पर आपको 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन ही देखने को मिलेगी। लेकिन अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा क्योंकि भारतीय रेलवे हर बार एक अनएक्सपेक्टेड काम ही करती है, तो इस पर मिनी वंदे भारत ट्रेन भी लॉन्च कर सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज्यादा चांसेस है कि इस पर 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगी और इसका इनॉग्रेशन आने वाले 14 मई 2023 को हो सकता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट अभी निकल के आ रहे हैं। अब देखते हैं कि 14 मई को इसका इनॉग्रेशन हो पाता है या फिर नहीं। और रिपोर्ट यहां तक निकल के आ रहे हैं कि इसका जो रेक है वो ICF चेन्नई से
रोल आउट हो चुका है, तो देखते हैं कि रेक कब तक पहुंचता है और रेक पहुंचने के बाद इसका ट्रायल रन भी शुरू हो जाएगा और उसके बाद सब कुछ सही रहा तो 14 मई को इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट आना अभी बाकी है, तो हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा इसके ऑफिशियल अपडेट आने का। और जैसे ही इसका ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।